आज मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे पापा को बहुत पसंद है और हर बेटी चाहती है कि अपने पापा की मनपसंद डिश जरूर बना के उन्हें खिलाए। मैं आपको आज बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ इस रेसिपी को, और इस रेसिपी का नाम है कीमा कलेजी। ये मटन से बनती है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर कॉर्नर में। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा और कलेजी। ये मैंने 250 ग्राम कलेजी ली है और आधा किलो कीमा लिया। ये प्याज मैंने छील ली है, अब इसी में हम मसाले ऐड करेंगे और साथ में ही पीसेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच गरम मसाला, ये घर का ही पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 चम्मच नमक, और इसी में ही हम 2-3 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। मसाला पीस के रेडी है, थोड़ा सा पानी डाल के आप उसे मसाले को अच्छे से फाइन पीसिएगा और डाल लेंगे हम साथ में ही कीमा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप कभी भी कीमा कलेजी बनाने जाएं, आपको कभी भी दिक्कत ना हो। पहले कीमा इसलिए डाला है कि पहले हम कीमे को अच्छे से भुनने देंगे, कलेजी हम बाद में ऐड करेंगे, और इसी में ही हम डाल देंगे 3 चम्मच तेल। ये मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, आप जिस तेल में बनाते हैं वो यूज कीजिए, पर नॉनवेज का मस्टर्ड ऑयल में अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको गैस पर रख देंगे और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनेंगे। हाई फ्लेम पे भूननी थी इसीलिए हमने इसमें कलेजी नहीं डाली है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे हम कलेजी को भी साथ में डाल के भूनते तो कलेजी हमारी हार्ड हो जाती और हमें कलेजी को सॉफ्ट रखना है, इसीलिए हम इसे बाद में ऐड करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं कि कितना पानी जल चुका है। अब हम इसमें कलेजी को भी ऐड कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए भूनेंगे। चलिए 10 मिनट बाद चेक करते हैं। 10 मिनट हो चुकी है, अब हम 2-3 मिनट के लिए और इसको अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि हमारा कीमा कलेजी अच्छे से भुन जाएगा। और हमें तब तक इसे भूनना है कि जब तक ये तेल छोड़ दे। जब तेल छोड़ देगा इसका साइन मतलब ये है कि आपकी जो कलेजी है वो अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें 1/2 लीटर पानी डालेंगे और धीमी आंच पे 1 सीटी आने देंगे। ये देखिए कीमा कलेजी बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है और देखने में आपको लग ही रहा होगा कि कितनी टेस्टी बनी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।